देखिए, दीपावली का मेला नगर पालिका की तरफ से लगाया गया है और ये हमारे मैंने पत्र भी भेजवा माननीय योगी जी को लिखा है नगर पालिका की तरफ से और ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है माननीय योगी जी ने, क्योंकि अभी तक मैंने बोलना मंच में ही बोला है एक चीज, जब हम छोटे छोटे जब इस तरह के मेले लगते थे, लेकिन आज हमारी सरकार ने इतना बड़ा मेला लगाया और पूरे यूपी में हर शहर में, कहीं छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, इस तरह से जो है इसको जो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं कलाकार, उनकी कलाकारी इसमें जाहिर होगी। जैसे किसी ने दीपले बनाए हैं, किसी ने कुछ चीज़ सोलर प्लांट का लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है और उसका निखार होगा। भाई छोटे शहर में भी हो सकते हैं कलाकार, अच्छे कलाकार निकल जाए। इस तरह का मेला ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मेला है, क्योंकि दीपावली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारे त्यौहार पता चलना चाहिए कि हमारे हमारी संस्कृति किस तरह की संस्कृति है। इस तरह का मेला ये लगाया गया सरकार की तरफ से और ये बहुत अच्छी पहल करी है माननीय योगी जी ने। चलो साहब, कैसे रहेगा मेला ये? ये 3 तारीख तक मेला रहेगा, आज 28 तारीख है और 3 तारीख तक मेला रहेगा ये, और रोज एक दिन इसमें कवि सम्मेलन का होगा, एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस तरह से हमारे शहर की अपनी स्थिति है इसमें सामने आएगी। चेयरमैन साहब, इसमें क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं मतलब? इसमें अभी हम लोग घूमे हैं, इस तरह से ये माटी कला बोर्ड की तरफ से भी लगे हुए हैं, सोलर वालों के भी लगे हुए हैं, इधर कुर्सियों वगैरह की जो अपनी उसकी तरफ से भी लगे हुए हैं और अपने जो जो यहाँ के अपने चाट पकौड़ी के हैं वो हर तरह के इसमें जो सर चीज़ें लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मेले लगाए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन पहल है, क्योंकि देश कोरोना काल से गुजरा है, सब लोगों के मन टूटे हुए थे, लोगों के काम धाम टूटे हुए थे। अब यहाँ लोग मेले में सब तरीके के स्टॉल लगेंगे, आतिशबाजी के, माटी कला बोर्ड के, सौर ऊर्जा के, तरी तरीके के खेल तमाशे और मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिससे लोगों का मनोरंजन होगा। उत्तरोत्तर 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर दूसरी सरकारें होती थी और उन सरकारों के द्वारा हमारे मेले ठेले, हमारी कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध लगाया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इन सब पर रोक लगाकर, इन सब कार्यक्रमों को चालू करा के देश को यह संदेश दिया है कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा।